भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले को रोहित शर्मा कुछ और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया इस मैच में जो कि वाकई में हर किसी को हैरान कर रहा है। वैसे अंग्रेजों ने इस बात का घमंड जताया था कि भारत को इंग्लैंड में क्लीन स्वीप करेंगे। भारत ने अपनी ताकत का अंदाजा तो पहले टेस्ट मैच में ही दे दिया और दूसरे में इतनी शानदार शुरुआत ने अंग्रेजों की टीम में खलबली सी पैदा कर दी है। भारत के इस प्रदर्शन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को घमंड चकनाचूर किया था, वैसे ही अब इंग्लैंड का घमंड भी चकनाचूर होने के कगार पे आ गया है और इसको लेकर रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, अंग्रेजों को चेतावनी दी है। रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा और अंग्रेजों को क्या चेतावनी दी है और कैसी उनकी बोलती बंद कर दी है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। ये जानने से पहले कि रोहित शर्मा ने इस बारे में क्या बहुत ही बड़ा बयान दिया है, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के पहले टेस्ट में बहुत ही शानदार खेल भारत ने दिखाया तो दूसरे टेस्ट में भी भारत ने शानदार शुरुआत करी है। टीम इंडिया ने लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने पर 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बना ली। दिन का खेल खत्म होने तक ओपनर केएल राहुल 127 रन बनाकर नाबाद थे तो वही अजिंक्य रहाणे अपना खाता खोल डटे थे। वही पहले दिन रोहित शर्मा ने ओपन करते हुए 83 रन की बड़ी पारी खेली तो उनके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 42 रन की शानदार पारी खेली जबकि पुजारा का योगदान 9 रन का रहा। भारत और इंग्लैंड के बीच 12 अगस्त से शुरू हुआ लॉर्ड टेस्ट वैसे तो 16 अगस्त को खत्म होगा, लेकिन भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने इसे 15 अगस्त को ही खत्म करने का बिगुल फूंक दिया है। टीम इंडिया को देश के स्वतंत्रता दिवस पर ही लॉर्ड्स जीतने की पूरी कोशिश करेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर सीरीज दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने जिस तरह से मैच में अपनी पकड़ बनाई है उसे देखकर लगता है कि हिंदुस्तान के लिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास होने वाला है। पहले दिन मैच पर भारत की पकड़ देखने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने रोहित शर्मा से सवाल किया कि क्या टीम इंडिया का इरादा इस टेस्ट को 15 अगस्त को ही जीतने का है, क्या भारतीय टीम देशवासियों के आजादी की जश्न को दोगुना कर देगी। पत्रकार के सवाल को सुनकर रोहित ने इसका जवाब देने से पहले सैल्यूट किया यानी कि सलामी दी और फिर कहा, क्या कहा आपने सर, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट फिलहाल जहां खड़ा है वहां देखने पर मुकाबले को 15 अगस्त के खत्म होने की उम्मीद तो जरूर जगती है, लेकिन क्रिकेट खेल अनिश्चितताओं का खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो संभव है कि लॉर्ड्स टेस्ट 15 अगस्त को विराट एंड कंपनी की मुट्ठी में होगा। भारत के अभी 7 विकेट बचे हैं और स्कोर बोर्ड पर 276 रन भी टंग चुके हैं यानी दूसरे दिन बाकी के 7 बल्लेबाजों ने मिलकर भी अगर 200 रन भी और जोड़ दिए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि शतकवीर केएल राहुल क्रीज पर खड़े हैं, वही अजिंक्य रहाणे दूसरे छोर पर है, के पास लॉर्ड्स के मैदान में शतक लगाने का अनुभव है। 15 अगस्त को टीम इंडिया आजाद हुआ और 15 अगस्त जो अंग्रेजों का लॉर्ड्स का मैदान है, जो उनका घमंड है, अगर 15 अगस्त को तोड़ दिया जाता है तो फिर टीम इंडिया का सेलिब्रेशन वाकई में दोगुना होने वाला है। क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।